जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरराव हुआ है। पत्थरबाजों ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया और हमले में 6 पुलिस वालों समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। दंगा भड़काने और हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है। तो कल हनुमान जयंती का मौका था, इस दौरान जहांगीरपुरी में पथराव हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाम करीब 5:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उपद्रवियों ने शोभा यात्रा को निशाना बनाया, पत्थरबाजी की गई जिसमें कई जो पुलिसकर्मी हैं, जो आम जनता है, वो घायल हो गए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि 6 पुलिस वालों समेत 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और इधर दंगा भड़काने और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस पूरी घटना के बाद जहांगीरपुरी में हालात हो गए थे। कई जगह आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी के उसी जगह पर जहां पर यह पूरा वाक्य कल हुआ था। वहां की तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो की दिखा देते हैं कि मामला पूरी तरीके से इस वक्त शांत है, स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। सड़क की दोनों तरफ की तस्वीर देखिए कि दोनों तरफ जो है टेंट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद रहेंगे और पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो भी तैनात रहेंगी और उसके लिए जो है पूरी जगह स्थिति जो है वो बनाई जा रही है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको एक जगह और दिखा दें कि यहाँ पर पूरी रात जो है पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद थे, लगातार स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लगातार पैरामिलिट्री की जो टीमें हैं वो गश्त लगा रही थी, पुलिस की टीमों की तरफ से लगातार गश्त लगाए जा रहे थे। लोगों से लगातार पूरी रात जो है अपील की गई कि वो बाहर ना निकलें। इसके अलावा आज रात को लगभग 3:30 बजे यहाँ से जो सांसद हैं हंसराज हंस जी वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। हंसराज हंस ने भी लोगों से यही अपील की कि वो शांति बनाए रखें, स्थिति को मॉनिटर करने के लिए लगातार वो पहुँच रहे थे और लगातार उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि वो सिचुएशन को लगातार जाँच रहे हैं, समझ रहे हैं, लगातार वो अफसरों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से बिल्कुल कह दिया गया कि मामला पूरी तरीके से कंट्रोल में है, स्थिति को बनाए रखने के लिए कि किस तरीके की सिचुएशन आगे होगी उसको बनाए रखने के लिए भी टीमें यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और सिचुएशन को जो है लगातार हर तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली।